जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए। तो हम तो ये खाएंगे मेरे प्लेट से, वो भी श्री एक लो, लो खाओ तो ये आपके लिए। थैंक यू अरे वाह। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो सोच है, ये जो सुंदर चीज मन में बैठे है वो कहाँ से आए हैं? जी है राजश्री जो पापा के साथ है अभी तो यहाँ का, ये शायद कुछ दिन के आगे ही पिक्चर होंगे, और ये भी मम्मी के साथ यहाँ पे है, थोड़ा बड़ी हो गई है। अभी हम लोग परिचय कराएंगे जिन शख्सियत को आप लोग बहुत नाचते हुए देखे, राजश्री के पापा और राजश्री के मम्मी दोनों। आपके परिचय प्लीज नाम एक बार बोल दीजिए। मेरा नाम है जयंत, मैं राजश्री के पापा हूँ। मेरा नाम है रीना और राजश्री के मम्मी है। तो इतना सुंदर गाने वाली लड़की एक बार तो कहीं पर घर में भी गाती है, हाँ सब काम छोड़ के लगते हैं जो ये गाना ही सुने, हाँ ये कहाँ से शुरू हुआ, कब लगे जो वो गाना गाएंगे, एकदम बच्ची समय पर शायद शुरू हो गए, हाँ ये कौन सा उम्र में? ये जब 3 साल की थी तब हमने इसको, मेरा भी मतलब गाना सुनने का और गाने में बहुत एडिक्टेड था मैं। अच्छा, हम लोग हमारा घर में गाना चलते थे। हमारा जो फैमिली है ना, ये एक फैमिली पूरा मतलब सिंगिंग से रिलेटेड है। अच्छा। मेरा पापा जी जो था उन्होंने भी मतलब ख्याल जो है ना क्लासिकल। अच्छा। वो गाता था। अच्छा। ठीक है, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता था। और मेरा फूफी मतलब जिसको हम पीसी बोलते हैं बंगला में, वो फूफी भी था। और मेरा जो आंटी जो है वो भी सब सिंगिंग रिलेटेड है। अच्छा। कोई रविंद्र संगीत गाता है, कोई नजरूल गीति गाता है, कोई क्लासिकल गाता है। अच्छा। हम लोग बचपन में ऐसा मतलब म्यूजिकल म्यूजिकल परिवार है हमारा। फिर वहाँ से मुझे आया वो म्यूजिकल। आप गाते थे? वो एक प्योर था, जब मेलोडी का जो मेलोडी गाने गाना जो आया था 90s का टाइम, वो सबका दिल में जाकर मतलब अपना एक ये कर लिया। स्पेशल मैं बोल के रखूं, मेरे पापा के जो बहुत मतलब फेवरेट सिंगर है वो पहले है किशोर कुमार जी, उसके बाद जो 90s के बारे में बात करें वो है कुमार सानू जी, इसलिए वो इतने खुश के बोल एक हमारे चैनल पे एक हो जाए ना एक, हाँ राजश्री के गाना उसके साथ राजश्री के एक गाना और होंगे, हाँ एक हो जाए हम लोग एक बार सुने। क्या बात, क्या मैं गाना सुनता हूं, कुछ भी गाना नहीं गाता हूं मैं, कुछ भी एक कुमार सानू के गाना। एक्चुअली पापा बहुत शर्मा रहे गाना हो जाएगा, लेकिन कुमार सानू तो एक तो बंगाल का है, बंगाल टाइगर बोलता है उसको। एक आशिकी के गाना हो जाए वो गाना हो पाएगा, पापा को बहुत पसंद है, पर पापा शर्मा दो लाइन सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस और नहीं चाहिए, वो बहुत ही सुंदर। तो वो ही गुण करती है उसको। एकदम वही तो होता है, नहीं तो तुम्हारे अंदर में जो संगीत के लिए जो चाहत हुआ वो उन्होंने ही पैदा किए। वो तुम ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, और ऐसे गाना गाता रहे और गाते रहो, हम लोग तुम्हारे साथ है, हम हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे कुछ सोचो मत, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। ठीक। तो ये जी टीवी सारेगामा पर 2022 के फर्स्ट रनर अप होके नहीं, खुद मन से जो इच्छा करते हैं ये गाना, वही गाना एक एक दो लाइन सुनाओ, तो सुनाओ बहुत इच्छा करते हैं। मुझे जो गाना सबसे ज्यादा पसंद है जिनके नाम लिया गया लता जी, उनके मतलब उन्होंने तो बहुत सारे गाना गाए, मतलब तो बहुत सारे गाने exactly. बहुत सारे गाने और बहुत सारे गाने मतलब पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर में से है बहुत सारे गाने, तो उसका कोई एक गाना फेवरेट बोलना मुश्किल है। वो गाना गा पाओगे, वो जो मेरी आवाज मेरी पहचान है, वो सुना शायेगा मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत ही सुंदर छोटा सा मुड़की भी बीच में ऐड किए जो उनके परिचय वो रखे, हाँ जे हम राजश्री है
लता जी के गाना तो एकदम सामने रहते हैं और जैसे जानते हैं इसीलिए छोटा सा मुड़की हम भी सुन लिए। एक इस तरीके से वो आगे भी आप लोग भी जो बच्चे सुन रहे हो वो भी ये चीज़ ख्याल रखोगे। सभी गाना आपके पास एग्जाम्पल होके है रखे हैं लता जी आशा जी रखे हैं, पर अपना जो स्पेसिफिक जो हम राजश्री बाग है हम कोई और एक है कैसे लोगों ने पहचानेंगे। देखो हम गाना जानते हैं आप भी गाना जानते हो, देखो जल्दी से जल्दी वो आपने आपका जो चीज़ वो आपने खुद को दिखा लिए जो हम वो भी कर पाते हैं। तो किसी को छोटा नहीं करके ये बोले बहुत ही अच्छा लगे। तो अच्छा ये गाना के अलावा कुछ होता है कुछ अच्छा लगते हैं कभी कविता बोले कभी कुछ समय कैसे बिताते हो। मुझे एक्चुअली ट्रैवलिंग के बहुत शौक है बहुत पसंद करते हैं और हम लोग हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं घूमने के लिए। और खाना पसंद करती है सबसे ये हम बोलेंगे वो तो ये है उतना मोटी नहीं है टीवी में ज्यादा थोड़ा लगती है ये सब है तो हम बोलेंगे ये बात एकदम सही नहीं है। हम सोचे थे बोलेंगे जो तुमको शो करना है आगे बढ़ना है मेरे बेटी की तरह ऐसा मत बनो हाँ, पर यहाँ पे आके देखे बिल्कुल वो नहीं है। उसका चेहरा उसका मतलब बहुत ही सुंदर है चेहरा अनुसार भी वो मेंटेन किए है जो हमारे टीवी में पता नहीं कैसे ये लग जाते हैं वहाँ बहुत ही ये तो ये मम्मी शायद किए हैं क्योंकि मम्मी खाना बनाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा मम्मी के ही खाना पसंद है कुछ भी हो जाए चाहे कौन सा खाना पसंद करती है। जब तक हम लोग थे तो उसका मम्मी उसको खाना पका के वहाँ पे खिला देते बाहर का कुछ भी खाना नहीं, नहीं। क्योंकि खट्टा खाना थोड़ा वहाँ पे है तो उधर का खाना अलग सा है ठीक एकदम वो हमारा खाना जैसे नहीं हाँ, है हम खा नहीं पाते वो मुझे मैं भी खाने पाते नहीं खा पाते तो मेरे भैया भी तो वहाँ पे है हाँ। उसका तबीयत खराब हो जाता है इसलिए मैं वो उधर पका के उसको खिलाता हूँ। मतलब घूमना और अपने मम्मी का खाना भी बहुत पसंद है और साथ साथ उसको जो और एक चीज पसंद है पेंटिंग अच्छा इतना सारा गुण एक के पास कैसे आ गए। वीडियो खत्म होने जा रहे हैं पर खत्म होते हुए भी खत्म नहीं होंगे। घर में राजश्री के जो पहचान बने हैं और हम लोग यहाँ पे आके जो हमारे लिए जो इतना सुंदर सी एक एनवायरनमेंट बनाए हैं साथ में मिठाई भी साथ है तो मेरे को ये सब दिया गया था। आप देखिए कहीं पर हमको ये नहीं मिले हमको बहुत ही अच्छा लगे तो हम तो ये खाएंगे मेरे प्लेट से वो भी राजश्री एक लो खाओ तो ये आपके लिए थैंक यू अरे वाह तो आस्ते आस्ते रोशन ना ठीक एक नौ अच्छा वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा से ये वीडियो देखिए सपोर्ट करिए और उसको बहुत ज़्यादा उनको आशीर्वाद दीजिए जैसे वो बहुत तरक्की करें और जितना हो सके आशीर्वाद दीजिए सच में उनको बहुत ज़रूरी है। गाना आगे बढ़े और सुर के गाए और सुंदर करके गाए।